अम्मी मुझे माफ कर दे। जब दिल के दरवाजे उसके लिए खुले हैं तो मत मांगो माफी। अगर मेरी कोई भी अहमियत होती ना तुम्हारी जिंदगी में तो तुमने दिल के दरवाजे मजबूती से बंद कर लिए होते। अभी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी हो सकती है। सो कम से कम यही सोच लेते बेटा कि इतनी बेवकूफ नहीं है तुम्हारी माँ के बिला वजह तुम्हें किसी बात से रोके। आप सही कहती है, उसने उसने पहले भी मुझे इस्तेमाल किया और अब भी शायद उसका मकसद यही था। काश तुम्हें पहले समझ आ जाती ये बात मेरी यार, काश तुम्हें पहले समझ आ जाती। मैं आप मुझे बताती तो सही उसके बारे में। अगर आपने मुझे ये सच पहले बता दिया होता तो मैं उसकी बात का यकीन ना करता कभी भी। मैं बता देती तब भी तुमने माँ को ही झूठा कहना था। पता था मुझे यही होगा मेरे साथ। अभी मुझे माफ कर दे, अभी मुझे माफ कर दे, अभी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जिस दिन भूल जाओगे ना उसे, उस दिन समझ लेना माँ ने माफ कर दिया। तुमने देखा लोग कितनी तारीफ कर रहे थे, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इतना अप्रिशिएट करेंगे हमें। यार तुमने लोगों का रिएक्शन देखा था, इट वाज फिनोमिनल। मतलब तुम सोचो लोग वाकई ये सोच रहे थे कि तुम्हें सजा मिलने वाली है। और एक लम्हे तो मुझे भी ऐसे लगा जैसे मुझे तुमसे दूर किया जा रहा हूं। वाकई में तुम्हारे एक्सप्रेशंस देख के लग रहा था जैसे जैसे कोई मुझे तुमसे बहुत दूर लेकर जा रहा है। ये सोच के तो परफॉर्म किया था कि अगर मुझे तुमसे दूर किया जाए तो मेरी क्या हालत होगी। यकीन जानो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जैसे मेरी कोई जान निकाल लो। जिले लाए रोल से बाहर आ जाइए, कोई दूर नहीं लेकर जा रहा मुझे तुमसे। अब तो झूठ बोलने की एक्सपर्ट हो गई हो तुम। नूरियान अगर झूठ नहीं बोलती तो मेरा काम कभी पूरा नहीं होता कि लोग मुझे एडमायर करें, मेरे लिए क्लैप करें यार। और तुम सबके सामने मेरी मोहब्बत का इकरार करती। वो तो मैं वैसे भी करती हूँ। सबके सामने नहीं करती, सिर्फ मेरे सामने करती हो तुम। लेकिन आज देखा नहीं तुमने सबके सामने किया है। वो तुमने नहीं किया था, वो तो शाहजहां की मलिका ने किया था। तो मलिका का जिले इलाही कौन है? मलिका का सिर्फ एक ही बादशाह, वो है नूरियान अली। ऐसा क्या जादू किया तुमने कि जब तुम नहीं भी होती तो तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूँ। क्या हो गया नूरियान? एक तस्वीर ही तो अपलोड की है, उस पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया तुमने। बस यही प्यार था तुम्हारा? अगर छोड़ना ही था तो कोई ढंग की वजह तो ढूंढते। मैंने तुमसे कहा था ना कि अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो। तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो? मुझे तस्वीर पसंद आई, मैंने अपलोड कर दी, इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? मसला ये है कि तुम मेरी कोई बात मानती नहीं हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे सब चीजें नहीं पसंद। मुझे बांध कर बिठाना पसंद है।
अपने घर में खुल के सांस नहीं ले सकती हूँ, तो ऐसा खुल के जी नहीं सकती हूँ। अब मेरे बगैर दिन गुजारने की आदत डाल लो, क्योंकि कुछ दिन मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ सकूंगी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मनाहिल के इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं बाकायदगी से यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती। आपकी होने वाली भाभी घर लेके जाने अम्मी को। रेली? ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आंटी ने बताया नहीं मुझे। वो अम्मी ने कहा था कि बस एक दफा मैं रिश्ता फाइनल करके आ जाऊं, फिर आपसे मिलवाऊंगी मैं। ठीक है, ड्राइवर अभी आएगा, तुम ऐसा करो गाड़ी लेकर चले जाओ। पहली दफा माँ के साथ ससुराल जा रहे हो, बाइक पर जाना अच्छा नहीं लगेगा। इस ताकत गुफ्तार को रंग दे मौला, कि मेरे चुप की भी आवाज हो, कि मेरे चुप की भी आवाज हो। अल्लाह।